हेलो किसान भाई, फिर से स्वागत है मेरे हेल्पफुल वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के ज़्यादातर किसान भाई राइस रिलीज क्रॉपिंग लेते हैं, और राइस रिलीज क्रॉपिंग लेने से क्या क्या नुकसान होता है, हमारे भूमि को क्या क्या नुकसान होता है और हमारे इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान होता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो किसान भाई, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि राइस रिले क्रॉपिंग क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइस रिले क्रॉपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हर सीजन में धान की कल्टीवेशन करते हैं, तो इसी को कहते हैं राइस रिले क्रॉपिंग। राइस रिले क्रॉपिंग का सबसे बड़ा नुकसान होता है सॉइल का कम्पैक्ट होना या सख्त होना। तो भारत के ज़्यादातर किसान भाई रोपा विधि द्वारा अपने धान को लगाते हैं, और धान रोपा विधि में एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम लोग पडलिंग। पडलिंग में क्या करते हैं, ट्रैक्टर द्वारा पूरे फील्ड को मचाई कर दिया जाता है। पडलिंग का मेन उद्देश्य होता है कि हमारे फील्ड में परकोलेशन से होने वाले वाटर लॉस को बचाना, और साथ ही साथ हमारा एक लॉस होता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉइल का कम्पैक्ट होना और सख्त होना। तो यही सबसे बड़ा नुकसान होता है राइस रिले क्रॉपिंग लेने का। दूसरा मेन नुकसान होगा कि हमारे भूमि से बड़ी मात्रा में पानी का हास्य होना। लगभग 1 kg धान के उत्पादन के लिए लगभग 2700 लीटर पानी की खर्चा करना पड़ता है, जबकि यदि हम लोग मूंग उड़द की खेती करेंगे तो इसमें हम लोग 1 kg मूंग उड़द के लिए 500 से 1000 लीटर पानी का खर्चा करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे पानी की बचत किया जा सकता है। तीसरा मेन नुकसान होता है कि हमारे राइस फील्ड में खरपतवार की संख्या में बढ़ोतरी होना, क्योंकि एक ही फसल को प्रत्येक सीजन में ग्रो करने से सभी खरपतवार सभी क्लाइमेट को अडाप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, और प्रत्येक वर्ष एक ही भूमि में राइस की खेती करने से उसमें लगने वाला संबंधित खरपतवार जैसे सांवा हो गए, मौथा हो गए, इन सभी की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका बढ़ जाती है, जिसमें खरपतवार को कंट्रोल करने के बहुत सारे पूंजी को लगाना पड़ता है, जैसे हर्बिसाइड को यूज़ करने के लिए और खेत से खरपतवार निकालने के लिए लेबर को लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। चौथा और लास्ट नुकसान होता है कि कीटों व रोगों की संक्रमण दर बढ़ना। और लगातार एक ही जगह पर राइस रिले क्रॉपिंग लेने से कीटों व रोगों की संख्या में संक्रमण दर बढ़ जाता है, जिसके कारण वो एपिडेमिक या पेंडेमिक का रूप भी ले सकते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे देश में कोरोना का एक पेंडेमिक रहे, ठीक उसी प्रकार एक ही जगह पर राइस कल्टीवेशन करने से कोई वर्ष में कोई कीट या रोग में पेंडेमिक या एपिडेमिक का रूप ले सकता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।